हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनुमान फैमिली में। सो दोस्तों, इस समय नवरात्र चल रहे हैं और आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। और थोड़ी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं चल रही थी और अभी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हूँ। मुझे आज तो इससे पहले फीवर आ रहा था और जांच कराने में टाइफाइड निकला था, तो मैं बहुत अच्छे से भी रिकवर नहीं हो पाई हूँ। उसके साथ ही मुझे कुछ पैरों में, जोड़ों में इस तरह से मुझे पेन हो रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोग कानपुर भी जाने वाले हैं दशहरे पर, तो मैं वहाँ दिखाऊँगी डॉक्टर को। तो बस यही सब है। तो वैसे तो मन कहीं नहीं था जाने का, बट हम लोग हमीरपुर में हैं तो यहाँ पर चौरा देवी मंदिर है, मैंने वहाँ का वीडियो डाला भी हुआ है। हेलो, तो बस सौरा देवी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि नवरात्र लगे हैं और कल परसों यानी कि अष्टमी या नवमी में हम लोग कानपुर जाएंगे, तो कानपुर के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग वहीं जा रहे थे सौरा देवी माता रानी के दर्शन करने, और आपको भी साथ में लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी कि वहाँ कुछ मेला भी लगा है या क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। तो हम लोग सौरा देवी मंदिर से आ गए थे और क्योंकि आने के बाद मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दीवाजी में कुछ भी शूट नहीं किया। इस समय रात में 10 बज रहे हैं और थोड़ा सा लेट भी हो गया है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने बनाई है आलू की कढ़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली है। जो मतलब इसका रसा होता है बोल सकते हैं आप, तो वो तो बिल्कुल कढ़ी जैसा होता है, बस पकौड़ी की जगह इसमें आलू डाले क्योंकि आलू बॉयल रखे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इंस्टेंट जल्दी से क्या बने, तो इसलिए मैंने आलू की कढ़ी बनाई है। और इसमें जल्दी से देसी घी का तड़का लगाया है मैंने, कस्तूरी मेथी, राई और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का, और मिर्च बहुत कम डाली है क्योंकि हनु को खाना है, इस वजह से। कुकर में बन गए हैं चावल, कढ़ी बन गई है, और अगर हनु रोटी खाएगा तो फिर सेकते हैं रोटी, अदरवाइज़ इनको खाना देते हैं। और इस तरह का व्लॉग में भी कल से कंटिन्यू हो तो, और बहुत जल्दी हम लोग कानपुर भी जाने वाले हैं, तो कानपुर भी जाके आपको अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बन रही है पालक पनीर। तो ये संडे का मतलब मेन्यू था, संडे को मैंने पालक पनीर बनाई थी। उसके बाद बहुत सारा काम किया, पैकिंग करी क्योंकि हम लोग को मंडे मॉर्निंग यानी कि 3 तारीख को निकलना भी था कानपुर के लिए अष्टमी वाले दिन, तो इसलिए मैंने जल्दी से फिर पालक पनीर वगैरह बनाई। उसके बाद पैकिंग करी, बहुत सारी पैकिंग करनी थी, और यहाँ पे मैं थोड़े से टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मलाई डाल रही हूँ। ये घर की मलाई है, क्रीम बोल सकते हो आप, ये घर की दूध की जो होती है मलाई, मैंने वो डाली। और सच बताऊँ तो पालक पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, इतने दिन बाद बनाया था तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मेरे हनु को बहुत पसंद है पालक की सब्ज़ी, उसको अगर बन जाता है तो वो दिन भर खाता है, तो इसलिए मैं और मतलब जब तक पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी आलू डाल के तो कभी पनीर डाल के। तो बस यही था, और फिर उसके बाद इनका खाना मैंने निकाला था, तो प्लेटिंग में था चावल, खीरा और पनीर रोटी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।